सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज देहरादून के दून पुस्तकालय में शुरू हुआ। डिजिटल क्रांति और विकास की ओर अग्रसर सरकारी पुस्तकालय विषय पर आयोजित सम्मेलन में देश के लगभग 100 से अधिक पुस्तकालय कर्मी, कंप्यूटर विशेषज्ञ, शोधार्थी छात्र और सूचना तंत्र से जुड़े कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। एसोसिएशन के महासचिव दीपेन्द्र कुमार पांडे ने बताया कि सूचना क्रांति के दौर में पुस्तकालय की अहमियत और समय के साथ आने वाले बदलावों पर सालाना चर्चा पर कार्यक्रम रखा जाता है। इसी कड़ी में देहरादून में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका प्रचार प्रसार हो, सब लोगों में जो है सब लोग जाने इसके बारे में, शोधार्थी विद्यार्थी यहां पर में आए और प्रतियोगी परीक्षाएं जो छात्र दे रहे हैं, जो हिमालयन स्टडीज पर जो शोध कर रहे हैं उत्तराखंड में और देश के अन्य हिस्सों में, वहाँ तक ये बात पहुँचे। यहाँ बड़ा अच्छा कलेक्शन है हिमालयन स्टडीज के ऊपर में, वो इसका लाभ उठाएं। सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली से आई सहायक सूचना अधिकारी दिव्या बत्रा खुल्लर ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन जागरूकता के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। ये ऐसी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी होती है, इससे हमें क्या क्या नई चीज़ें चल रही हैं हम लाइब्रेरी में और उससे रिलेटेड फील्ड्स में, हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है उससे। ऐसी कॉन्फ्रेंसें होते रहनी चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस अभी तक, पिछले साल तक ये ऑनलाइन मोड में चल रही थी कोविड पैंडेमिक की वजह से, बाकी इस बार इन्होंने फिजिकल मोड में की है, तो इससे हमें बहुत कुछ लेटेस्ट सीखने को मिलता है। पुस्तकालय की दुनिया भी तकनीक के दौर में उन्नत हो रही है। सम्मेलन में पुस्तकालयों के लिहाज से जरूरी तकनीक पर भी चर्चा की गई। डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हो रहे हैं वो डेवलपमेंट सीखने को मिलते हैं, और कई प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ले लीजिए, पहले हम लाइब्रेरी को अपने ही कैंपस में एक्सेस कर सकते थे अपने ही उसमें, लेकिन आज जो भी हमारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं लाइब्रेरी के, वो हम अपनी लाइब्रेरी से बाहर भी दूसरी जगह कहीं पर भी हम बैठे हैं अपनी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हम वहाँ भी वो कर सकते हैं। इसका ये सब संभव है टेक्नोलॉजी के कारण। सम्मेलन में अगले 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के पुस्तकालय कर्मी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे।